बात सिर्फ इतनी सी है कि इनको कश्मीर फाइल से प्यार है और हम कश्मीरियों की बात कर रहे हैं। बात कश्मीर फाइल पे होती तो यहां खूब चीख चिल्ला रहे होते, फाइलें उछाल रहे होते। अब बात कश्मीरियों की आ गई है तो उठ के भाग गए हैं। पर 8 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई साल से दोनों जगह कश्मीर में भी और यहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है सेंटर में। सवाल यह है कि इस देश के हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों को इतने लंबे समय तक 32 साल बाद भी विस्थापित बनके क्यों रहना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी की, पूरी भारतीय जनता पार्टी की इसमें घोर असफलता है और इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए कि 8 साल तक आपने कश्मीरियों के दर्द पर राजनीति, 32 साल से राजनीति करते आए हो, 8 साल से आपके हाथ में मौका है, आपको एक एक कश्मीरी भाई को, एक एक कश्मीरी बहन को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि वो जाके अपने कश्मीर में अपने जमीन जायदाद तो देखा है। मैं जानता हूं उनका दर्द, उनका दर्द यह है कि जो हमारी बारापुला में जमीन थी, जो हमारे बाग बगीचे थे सेब के, जो हमारे बादाम के खेत थे, पेड़ थे वहां पे, जो हमारा एक सुंदर सा वादी में घर होता था, हम कम से कम उसको जाके देख तो आए वो किसने पे कब्जा कर रखा है, वो हमको कब्जा तो छुड़ा के दे दे सरकार। इतनी व्यवस्था तो कर दे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 8 साल से सरकार में। कश्मीरी चाहता है कि ये देश उस दर्द को समझे जो कश्मीरियों ने 1989-90 में महसूस किया और जो 25 साल झेला। लेकिन कश्मीरी पंडित ये नहीं चाहता अध्यक्ष महोदय कि उसके दर्द को 200 करोड़ में बेचा जाए। कश्मीरी पंडित ये नहीं चाहता है कि उसके दर्द पे ये भारतीय जनता पार्टी धंधा करके इनके प्रोड्यूसर और ये लोग मिलके 200 करोड़ कमाएं। और जब अरविंद केजरीवाल जी कहें कि भैया 200 करोड़ कमा लिए अब तो यूट्यूब पे डाल के फ्री कर दो, ये 200 करोड़ का 200 करोड़ रुपया कश्मीरी पंडितों के वेलफेयर के लिए दे दो, वो जाके अपने घर के चौबारे ठीक करा लेंगे कश्मीरी पंडित।